एक बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ एक निश्चिंत शांति है, लेकिन शांति के अलावा इस शहर में शक्ति, समृद्धि और विविधता है। भारतीय संस्कृति भी यहाँ का एक गहरा हिस्सा है। ये है ताइपे। ताइपे ताइवान का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ 1000 से ज्यादा अधिक भारतीय रहते हैं, जिनमें इंजीनियर, स्टूडेंट्स और शेफ शामिल हैं। हम आपके साथ इस खूबसूरत और विविध शहर की झलक साझा करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि ताइपे सिटी में हमें भारतीय संस्कृति के कौन से संकेत मिलते हैं। ये एक बहुत ही लोकप्रिय ड्रिंक है जो हमारी चाय से मिलता जुलता है। इसमें साबूदाना के नरम मोती भी होते हैं और इस ड्रिंक को कहते हैं मोती वाली चाय या बबल टी। दीहुआ स्ट्रीट एक ऐतिहासिक शॉपिंग एरिया है जहां हम अलग अलग लोकल सामग्री, मसाले, चाय और यहां तक कि वस्त्रों की खोज करते हुए पुराने शहर को देख सकते हैं। ताइपे आधुनिकता और परंपरा को जोड़ती है, पुराने और नए को आपस में मिलाती है, जिससे ये एक अनूठा और सुंदर शहर बन जाता है। आप अपने मूड के हिसाब से घूम फिर सकते हैं, जहां चाहे जाएं और इच्छा अनुसार व्यवस्था करें। इस शहर में चारों ओर विविध मानविकी और कलाएं हैं, जीवंत और हलचल भरे व्यापारिक जिले भी हैं, पारंपरिक धार्मिक संस्कृतियां हैं और डिजिटल प्रौद्योगिकी पार्क भी हैं। आराम से ताइपे शहर का अनुभव करें और इस अद्भुत शहर की अपनी यादें बनाएं। कभी कभी जब हम विदेश यात्रा कर रहे होते हैं तब हमें भी घर का खाना खाने का बड़ा मन करता है। अगर हम ताइपे में भारतीय खाना खाना चाहते हैं तो क्या करें? चिंता ना करें, क्योंकि ताइपे में कई भारतीय रेस्टोरेंट्स हैं जो ताइपे में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने खोले हैं। ताइपे का भारतीय खाना ना केवल प्रामाणिक है बल्कि स्वादिष्ट भी है। Original Taipei with Indian flavor. Welcome to Taipei. आप सबका क्या कहना है? भाई मुझे तो ताइपे बहुत पसंद है। एक आरामदायक पर्यटक वातावरण, अद्भुत खाना, विविध इतिहास और संस्कृति के साथ ये समृद्ध अर्थों वाला एक शहर है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, यहाँ के लोग मिलनसार और उत्साही हैं। मेरी अगली यात्रा के लिए मैं जरूर ताइपे जाना चाहता हूँ।